आप लोगों के साथ क्या पॉलिटिकल स्पीच नहीं हो सकती ना, आप लोगों ने बचपन से देखा है क्या ओपिनियन, इमोशन भाई है जो बात है ना, दिल से बोलने में ना बचपन से आप लोग सभी जानते हैं। जो इस बार एच एस में 2021 बैच में जो 14वां रैंक मिला है और एज ए तहसीलदार जो मेरी पुष्टि होगी, ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये हम सबकी है, हमारी फैमिली की भी नहीं, पूरे गांव की भी बहुत अचीवमेंट है। जो भी मैं ये कर पाया हूँ ये सब कुछ आपके गाइडेंस, आपके आशीर्वाद और आपके कई मार्गदर्शन से सबके हैं। बचपन से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और हमेशा से गाइडेंस दी है, इसके नतीजे आज यही कर पाए। अचीवमेंट तो देखो कि हर साल तो लगते हैं, बिना अचीवमेंट लगते हैं, लेकिन जहाँ से हम आते हैं हमारे लिए ना दुर्गम एरिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो स्टेट में प्रशासनिक सेवाओं में सिलेक्शन हुई है, स्टेट की सबसे बड़ी सेवाएं हैं प्रशासनिक सेवाएं, उसमें अगर सिलेक्शन हुई है हमारे छोटे बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हमें यहीं पे नहीं रुकना है, भले ही बहुत बड़ी बात है, हम इसको इंजॉय करेंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमें यहाँ से भी आगे बढ़ना है। अभी जितना हो पाया मेरे से आपके आशीर्वाद से अभी वो कर दिया है, अभी मैं आगे भी तैयारी करूंगा ना, इसके ऊपर जाने की कोशिश करूंगा और अपने गांव के साथ साथ अपने पूरे इलाके में बाकी और स्ट्रगल तो क्या बताऊँ, तैयारियाँ काफ़ी लंबी थी, ऑलमोस्ट 4 साल लगभग हो गई थी, इमोशनली फिजिकली और मेंटली हर तरह से तोड़ दी थी तैयारियाँ ना, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा है कि कई बार ऐसा मन करता था कि छोड़ दे अपना या कुछ प्राइवेट जॉब कर लें, घर आ जाएं, घर में भी बहुत कुछ था करने के लिए ना, पर फिर भी एक ये मोटिवेशन थी कि अपने गांव के लिए कुछ करना है ना, कि मेरे कल दिन जो आने वाले नौजवान हैं उनके लिए कुछ करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा एक बार के लिए, वो एक मोटिवेशन थी जिसने लगातार इस तैयारी के दौरान मेरा साथ दिया। बहुत टूटे, बहुत निराश हुए, बहुत फेलियर हुए, नहीं हो पाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत मार्क्स मिल गए लेकिन दोनों नंबर से, लेकिन फिर भी ये मोटिवेशन थी कि अपनों के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है, जो मेरे भाई साथी कल दिन बड़े होने वाले इनके लिए कुछ करना है। अब जितना हो पाया इस बार हो गया है, बहुत बड़ी पोस्ट है हमारे लिए तहसीलदार, बहुत ठीक है, इसके आगे भी करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग मेरे बड़े हैं और छोटे भाई भी हैं, बड़ों से मैं हाथ जोड़ इतनी प्रार्थना करता हूँ ना कि अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखना, ठीक है, इसमें टाइम लगता है जी बहुत सारा, ठीक है। और मेरे मम्मी पापा हैं ना, मतलब बेचारों को भी बहुत दुख होता था, अब होता है कि बेटा इतनी साथ की तैयारी कर रहा है ना, बहुत दर्द उनको काफ़ी दुख होता था। फिर ऐसे गांव वालों आप लोगों को भी उम्मीद थी, सबको मैं देखता था ना कि आपकी आंखों में तो दिखता था कि ये लड़का कुछ करेगा, तो आप लोगों की भी उम्मीद थी, उससे थोड़ा सा लगता था बुरा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे भाई बहन आगे करेंगे ना, उनके ऊपर विश्वास रखना, भले ही टाइम लगेगा लेकिन वो करेंगे, ठीक है, बड़ों से मेरी ये उम्मीद है। और छोटों के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मेहनत करना, अपने गाँव का नाम रोशन करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम थोड़े गाइड करेंगे आपको, कोई भी तरह का सपोर्ट देंगे, हर तरह का सपोर्ट देंगे, ठीक है। बाकी यही था, अभी और मेहनत करेंगे आगे जाके, अपने गांव का इलाके और ठीक है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, प्यार दिया, ठीक है, मैं आगे भी आपके लिए यही प्यार ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आपसे आशा रखता हूँ, है ना, आगे भी मैं जी आपके आशीर्वाद से करता रहूंगा, आगे करता रहूंगा, है ना। हाँ जी, ज्यादा क्या बोलूंगा, इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे भी हम साथ मिलकर चलेंगे, एटमोसफियर बनाएंगे जी, ठीक है, अकेले ना डेवलपमेंट एरिया में कलेक्टिवली हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, कोई और है ना, सबको सपोर्ट करो, टाइम लगेगा, आप लोगों के बच्चे बड़े होने वाले हैं, अब आपके पास एग्जाम्पल है, मेरे को 4 साल लग गए, क्योंकि अगर तो इसकी HAS की तैयारी करें ना, अब स्टेट की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है, इसमें टाइम लगता है जी, अगर आपने सिलेबस भी तैयार करना है 2 साल तो मिनिमम लगते ही हैं, 2 साल तैयारी करने में लगेंगे लगेंगे, आपकी प्रोसेस थोड़ा ज्यादा है ना, मैं ऊपर से बताता हूँ आपको, अगर डेडिकेटेडली कोई बंदा कोई तैयारी कर रहा है एक्सपीरियंस, 2 साल तो उसको लगेंगे ही लगेंगे जी, अगर वो 3 साल तैयारी के साथ जा रहा है तो ये एग्जाम इतना बड़ा है, 1 साल तो उसको लगते हैं होने में, पहले प्रीलिम्स स्टेज होगी,
फिर मेन्स होगा, फिर इंटरव्यू होगा, एक साल तक तो उसमें लगता है, तो तीन साल तो ऐसे ही लगते हैं। तो ऑलमोस्ट 3.5 साल तक मैंने भी तैयारी की, भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, इस बात का सफल मिल गया, ठीक है। बाकी मेरा कुछ नहीं है, मेरे मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, सब कुछ इनका है, इनकी मेहनत है, मेहनत मैं तो बस कर रहा था वहाँ से, बाकी जो ये कर रहे थे ना उसका फल मिला है। अब जैसे कि एग्जाम्पल ये है, हमारे यहाँ सेब होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब सेब पे हम मेहनत करते हैं, सभी हम किसान हैं, मेहनत हमारी होती है, फल सेब देता है, वही है मेहनत इन्होंने की है, मैं हूँ सेब का पेड़ हूँ, इनकी मेहनत है, और ये जो रिजल्ट आया है ना वो फल है, इनकी मेहनत का फल है। तो आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, जो उन्होंने करना है उनको करने देना है, ठीक है। और बच्चों से मैं यही आने वाले भाई आप लोगों से यही चाहता हूँ कि मेहनत करो भाई, अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए मेहनत करो, ठीक है। अपने माँ बाप से झूठ मत बोलो, इज्जत रखो, बड़ों का आशीर्वाद लो, है ना, हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा तो मैं कुछ पॉलिटिकली अब क्या ही बोलूं, इतना ही है।